नवंबर 11 को फिर आपने एक ट्वीट के जरिए सियासत ही छोड़ दी। उसे एक महीने में क्या हुआ मैं जो आपने पूरा सर आपको बता देता हूँ। आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा हाँ मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर एक नाम। हाँ तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी। मैं खान साहब के साथ में जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि आपने जब सेक्रेटरी जनरल का या अपने वोदे छोड़े तरीके इंसाफ के आप तरीके इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट नहीं यानी है, ये मैंडेट नहीं जितनी है सीटें उनका, नून के पास हैं इतनी नहीं जरूरी थी थी। किसी से। आप छोड़ने को तो पार्टी पहले दिन छोड़ सकते थे ना जब आप जेल से बाहर आए, नहीं छोड़ी। नहीं, मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने के लिए जा रही है, करवा दी ना, दफन करवा दी सियासत। मुस्लिम लीग नून इस वक्त वहां खड़ी है जहां PMLQ खड़ी थी 2005 और 6 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काशिफ अब्बासी ने अपने शो में तरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर से कहा कि आपसे इमरान खान को बहुत ज़्यादा तवक्कात थी, मगर आपने भी इस मुश्किल की घड़ी में इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इस पर असद उमर ने बिला आखिर आज खुलकर वो सारी वजूहात बयान कर दी जिसकी बिना पर असद उमर ने पार्टी छोड़ी। असद उमर पर किस किस्म का प्रेशर डाला गया, क्या क्या इनके साथ जुल्म और जबर हुआ, आए पहले असद उमर की जुबानी सुनते हैं फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। क्यों छोड़ी सियासत आपने? क्योंकि आपने पहले जब आप जेल से निकले आप प्रेस क्लब गए, वो तो एक शटल सर्विस का एक सिलसिला था, बाकियों से के बरखिलाफ या बाकी सब ने पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी, आपने कहा मैं सिर्फ फौदे छोड़ने जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक। और आपके साथ मेरा प्रोग्राम भी इसके इसके बाद हुआ, उससे लगा मुझे ये कि आप सियासत नहीं छोड़ना, आप पीटीआई नहीं छोड़ना चाहते, फिर क्यों आखिर में फैसला किया? एक चीज में कोट कर दूं आपको, अक्टूबर में आपने एक इंटरव्यू दिया, आपसे सवाल पूछा गया कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं, आपका जवाब था आपको कोई एतराज है जी। और नवंबर 11 को फिर आपने एक ट्वीट के जरिए सियासत ही छोड़ दी। उस एक महीने में क्या मैं हुआ जो पूरा आपने आपको बता देता हूं कि दहशतगर्दी अदालत लाहौर से निकला, मुझसे सवाल पूछा गया कि IPP ने आपको भी ज्वाइन करने के लिए कहा है, मैंने कहा जी बिल्कुल कहा है, एक से ज्यादा दफा कहा है। तो उन्होंने कहा आपको क्या जवाब दिया, मैंने कहा जी बेस्ट ऑफ लक, आपकी सियासत में मैं नहीं आ रहा आपके पास। तो उन्होंने कहा आप अभी तक पीटीआई का हिस्सा, मैंने कहा जी बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा, ये बात हुई बिल्कुल, और मैं था उस वक्त फिर पीटीआई का एक हिस्सा। महीने में क्या हुआ? देखिए एक महीने की नहीं बात है, बात जरा सा पीछे ले जाऊं थोड़ी सी। देखिए मैं सियासतदान ना, मैं कोई सियासी खानदान से हूँ ना, मैं कोई सियासतदान कोई करियर सियासतदान हूँ। मुझे इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं मुतअद्दद बार डायरेक्टली मेरे भाई के जरिए, आरिफ अलवी, अभी अली जैदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहांगीर तरीन के जरिए ये कहा कि जी आप पार्टी में आए, और उन्होंने कहा जी जरूरत है। तो मैंने फैसला अल्टीमेटली ये किया, हालांकि मैं पीक ऑफ माय प्रोफेशनल करियर था, कि यार एक आदमी है सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता है, इस वक्त अपोजिशन में है, इनको जो है वो साथ जो टेक्निकली जो प्रोफेशनल जो बड़े उहदों में बैठे हुए वो नहीं ज्वाइन करने का, डरते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने से, तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। और ये मैंने कहा उनको 2012 में, फिर आपने 2012 में मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा साल के बाद इलेक्शन है तो एक साल के लिए मैं ज्वाइन करूँ, उसके बाद जब आप वजीर आजम बन जाएंगे हर एक आपके लिए काम करने को तैयार होगा। ठीक है इतनी मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सके। यार लोग खैर नहीं, जो मर्जी कहते हैं वो, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जितना मैंने कहना था मेरे रीजंस के ऊपर वो मैं कह चुका हूँ। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। वो अगर आपके साथ बैठे इसमें, तो इसमें अभी कोई तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटो। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर एक नाम। हाँ तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर नहीं छोड़ दो किस बहस में पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो ना यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके भाई, जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। इसमें ये फजूल अब ऐसे ना, इसमें ना पड़े फजूल, ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी। मैं खान साहब के साथ में जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी, और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपके भी हैं जी बिल्कुल है। अब काशिफ अब्बासी की आज काशिफ अब्बासी की रेटिंग के लिए तो मैं आपको देने ही नहीं वाला। एनी वे मुझे ओवरऑल जो है, क्या 11.5 साल में इमरान खान साहब ने जो स्पेस दी, जो मौका दिया, जो उनकी मेरे साथ जाती रिलेशनशिप थी, क्या मुझे उसमें कोई कमी नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूँ, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में क्या हुआ? पर्सनल कौन नहीं, तो ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में ये क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ साथ के, मैं पर्सनल आपको जो बात क्योंकि आपने पूछी थी, वो किस किस्म का ख्याल रहता है आपको पता है, वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3.5 साल 3 साल 8 महीने वजीर आजम थे, कोई शादी नहीं अटेंड की, मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए, राइट। अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रियाटाइटिस अटैक हुआ हुआ था, सुबह 4:45 बजे रमजान थे, मुझे सुबह 4:45 बजे सहरी पे मैंने मैसेज देखा, उन्होंने किया हुआ था असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। सो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ गिले शिकवे, वो पॉलिटिकल डिसीजंस की बात हो रही है, उसका उनकी जात में जिस तरीके से उनका कॉन्टेक्ट था उसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। मुझे लगता है कि आपने
जब सेक्रेटरी जनरल का ये अपने ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन अदालत की एक फुटेज आपने देखी, इमरान खान साहब क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड बहुत थे, बहुत मायूस थे, उन्होंने आपको जब अच्छा वो अदालत की जो फुटेज वो आपके लिए फिर साबित हुआ कि मैच आपका अच्छा वो मैं आपको बता दूं, वो अदालत की फुटेज जो है वो बिल्कुल भी, आई नो किसकी आप बात करें, वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खान साहब आके बैठे, मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने इस तरफ देखा मेरी तरफ एंड स्माइल, मैं उठा उनसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में लोग खड़े हुए थे, सो वो ऐसे लगता है कि वो खान साहब जो है वो हाथ जो है मुझसे वो नहीं मिला रहे थे, अगर वो बीच में मत ना खड़ा तो मैं नॉर्मली आके हाथ मिला लेता, कोई सॉरी भी ना हो, बट एनीवे मैं इसलिए कह रहा हूं असद साहब क्योंकि आप छोड़ने को तो पार्टी पहले दिन छोड़ सकते थे ना, जब आप जेल से बाहर आए, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, नवंबर तक इंतजार किया आपने, मई के बाद नवंबर में, देखिए जब मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मैं आगे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, और ये मेरा फैसला 2021 का फैसला था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये 2021 में मैं आपको बता चुका था और बहुत सारे लोगों को बता चुका था कि ये पार्लियामेंट्री टर्म के बाद मैं नहीं करूंगा। अगस्त में वो पार्लियामेंट्री टर्म खत्म हो गई, ठीक है ना, और वो सोचे आपकी हमारी हुकूमत जा चुकी थी, वो मुश्किल वक्त से अगर मुझे बचना होता, मैं पागल हूं, मैं अपने ऊपर 40 मुकदमे मैंने बनवा लिए, मैं 2 दफा जेल में चला गया, 3 मुख्तलिफ मैंने जेलें दे दी, कैदे तन्हाई मैंने काट ली, आज तक मैं चक्कर काट रहा हूं, मेरे मुकदमे नहीं खत्म होते, 1.5 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं तो उस वक्त आसानी है, अगर मुझे मुश्किल ना करनी होती तो ये जो है ना, जो 9 मई के बाद तकरीरें करने वाले जो है, जो क्योंकि उन्होंने 4 ट्वीटें की हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बहुत बड़े शेर हैं कि मुश्किल वक्त सर, मुश्किल वक्त जो है 9 मई को नहीं शुरू हुई थी, असद उमर जेल जा चुके थे, कोर्ट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे 9 मई से पहले, जेल भरो तारीख थी जी, जेल था भाई और कैदे तन्हाई थी और राजनपुर था, वापसी का कोई रास्ता मेरे सियासत में आपको, यार आपको तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, मैं 3 साल पहले फैसला कर चुका हूं, मुझे ये भी पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि यार मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर खान साहब ने जोर दिया मुल्क की खातिर करना पड़ा शायद कर भी लूंगा, इट वॉज दैट 50-50, ओके यू वर मोर लीनिंग टुवर्ड्स लीविंग, आप छोड़ना ज्यादा चाहते थे, रहना कम चाहते थे, लेकिन अगर बहुत एक्चुअली जिसने भी आपको ये कोट की, ये ठीक नहीं कोट किया, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं करने को तैयार था, 10 और तरीके हैं सपोर्ट करने के, हेल्प करने के, इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बुलाएंगे तो चले, इमरान खान की मदद नॉन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मैंने नहीं करनी, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, उस एक चीज के ऊपर टेक्नोक्रेट बनकर उनकी मदद कर सकते, वो कर सकते हैं, जो भी नॉलेज जो हमारे पास देने को है दे देंगे हम, लेकिन आप दोनों का एग्जिट बड़ा डिफरेंट है, जुबैर साहब का एग्जिट हुआ या सियासत से बाहर हुए एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से, आप भी इस बाहर हुए लड़ाई की वजह से, लेकिन आप उस लड़ाई के खिलाफ थे जबकि जुबैर साहब लड़ाई करके बाहर हुए, मैंने वो बयानबाजी आपको याद होगा, वो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं कमेंट करना चाहता, मैं भाई के उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहता। खान साहब जेल में हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत सही, या इल्जाम तो तरीके साहब बहुत ज़्यादा लगाती है कि ये मैंडेटेड हुकूमत नहीं है, आपके ख्याल में है मारने वाली बात है आपको पता मैं इस किस्म की हवा से नहीं खींचता, लेकिन शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट सीट है नून के पास, नहीं थी किसी से, ये बात भी मैंने आपके प्रोग्राम पे भी कही है और बार बार कही है, अप्रैल 2022 से मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने के लिए जा रही है, करवा दी ना दफन, करवा दी सियासत, मुस्लिम लीग नून इस वक्त वहां खड़ी है जहां PMLQ खड़ी थी 2005 और 2006 में, हुकूमत में है, नीचे से खोखली हो चुकी है, सो अगर आपने वापस सियासत के अंदर आना है, अगर करना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बट दैट्स वेयर द नून की तरफ से आवाजें आ रही हैं, बातचीत करें, आवाजें ही आ रही हैं, उनको लीड लेनी पड़ेगी, सिर्फ वो बातें आवाजें नहीं लगा सकते, हुकूमत में सर लीड ले भी, कल इंटरव्यू चला अली अमीन गंडापुर का, वो मुजाकराती कमेटी का एक रुकन है, उन्होंने कहा नहीं बात करूंगा इनके साथ, अच्छा ठीक है ना, वो अली अमीन गंडापुर का फैसला, जिस दिन अली अमीन गंडापुर को खान साहब बोलेंगे बात करनी है तो वो कर लेंगे बात उनसे, और उनकी अपनी जाति राय हो सकती है ना बात करें, मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए, क्या आपने कभी खान साहब को कहा कि सर हमें बात करनी चाहिए और उन्होंने नाम नहीं माना, इनकार कर दिया था, बिल्कुल वो उस चीज के ऊपर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और आज तक है वहां पे मौजूद, देखें मेरी जो मानना है, मैं जाती तौर पे अच्छा ये हमारी जो 3.5 साल हुकूमत, उससे पहले भी जब अपोजिशन में था, आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन कमेटी बनती थी PTI की, तो उसका मैं हिस्सा होता था, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अलवी, मैं हम ही लोगों, तो परवेज खटक धरने के बाद जो बनी वो उसमें भी निगोशिएशन में था, इसी तरीके से हुकूमत में जाता, जब भी अपोजिशन के साथ बैठना होता था तो उन कमेटीज के अंदर मैं भी होता था, मेरा जाती तजुर्बा ये है, एहतसाब वाहिद चीज है जिसके ऊपर हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सक रहा था। खान साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने जितना टाइम गुजारा कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए खान साहब जो हैं इसके लिए बड़ा फैसले की जरूरत होगी, क्या इमरान खान बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या उन्होंने किए हैं पास में? उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं ना, तो कर तो सकते हैं,
लेकिन उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि ये सही चीज़ें करने के लिए, और वो अभी तक इस पर कन्विंस नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जो इस वक्त सिस्टम है, मेरा ये मानना है, और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ये पब्लिकली कहता रहा हूँ, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के बैठे हुए, पार्लियामानी जमहूरियत नहीं चल सकती है। बाहर वाली पीटीआई की लीडरशिप क्या कर सकती है जी? आपका चेयरमैन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक तो ये तकरीबन सारे जो हैं, कुछ उसमें से अब नए लोग आ गए, लेकिन तकरीबन सारे मेरे एक्स कॉलीग्स हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन जो बाहर में वोटर बैठा हुआ है ना, बिकॉज मैं तो जब निकलता हूं आवाम के अंदर, तो लोग मुझसे आगे सवाल पूछते हैं, ये क्या करें, ये क्या करें। इस वक्त पीटीआई का वोटर क्या चाहता है? पीटीआई का वोटर ये नहीं चाहता कि जब बजट डिबेट हो तो आप बहुत जबरदस्त उसके ऊपर तकरीर करें। पीटीआई का वोटर जो है वो ये नहीं कह रहा कि निजकारी के ऊपर आपकी बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो। पीटीआई के वोटर कह रहा है, भाई इमरान खान को बाहर कैसे लेके आओगे? ये सिंगल ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप अगर होते सेक्रेटरी जिसके ऊपर, मैं पहली बात तो मैं उस पर पढ़ना नहीं जाता कि अगर होते तो भाई, अगर मैं रास्ते में बहुत सारे ऑप्शंस ले आउट कर सकता हूं, मैं बहुत सारे ऑप्शंस ले आउट कर सकता हूं कि किस तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं उसके आपसे रابطہ कर मैं उसके अंदर नहीं रहते, मैं नहीं, मैं कोर स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करता। आप बाहर बैठे हैं, आप काम के अंदर, लेकिन आपसे ऐसा रिलेशनशिप बेहतरीन है, अच्छा, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा वोटर को कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि आप जत्थे लेके चढ़ जाएं, ठीक है ना। 2500 स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिप्लोमेटिक हो सकती है, लीगल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, नजर नहीं आ रहा इस वक्त। तो इसलिए अगर मेरी अपने पुराने दोस्तों को कोई मशवरा होगा, वो ये होगा कि ना सिर्फ वो स्ट्रैटेजी बने, ना सिर्फ उस पर अमल होता नजर आए, बल्कि अवाम को और उनके वोटर को समझाने की जरूरत है, भाई हम कर क्या रहे हैं। इस वक्त जो है लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा शक है, वो कह रहे हैं जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर, ये तो कोई शक नहीं है ना, जितने भी असेंबली में बैठे इमरान खान के वोट बैठे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर असेंबली में पहुंच गए, हुकूमतें बन गई, वजीर बन गए, स्टैंडिंग कमेटियों में चले गए, एमएनए एमपीए बन गए, आपकी बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, इमरान खान अडियाला बैठा हुआ। अच्छा साहब, ये बताएं, ये जो सजाएं हुई है इमरान खान, आपने कहा लीगल स्ट्रेटजी होगी, सजाएं ठीक हुई इमरान खान जो अभी सजाएं हुई है, हो गई हमें, तो मैं पूछना भी नहीं चाहता हमें तो सच्ची बात है, मैं कोई लीगल चवल चीज है जिसकी मैं सवाल भी नहीं पूछना चाहता, मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं कोई नहीं, लेकिन मुझे तो ये मुकदमे जिनमें अभी सजाएं हुई है तो समझ में नहीं आते मुकदमे क्या है, ठीक है ना। इद्दत, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पर्सनल मानना क्या है कि ये जो इतना 8 फरवरी को वोट पड़ा है ना, खासतौर पर औरतों का वोट, उसमें से एक वजह जो है इद्दत का केस और उसकी जो कन्विक्शन आई है, तो इतना रिएक्शन उसका है, लेकिन मुझे लीगली सही है ये नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो इमरान खान की सियासत की वजह से चल रहे हैं। एज आई सेड कि मेरे पास, मैं उनका कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, तो मैं लीगैलिटी पे तो नहीं कर सकता कमेंट, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इमरान खान की अगर सियासत मुख्तलिफ हो जाए तो ये लीगल केसेस भी फिर आपको नजर नहीं आएंगे। देखिए, तोशाखाना वगैरह पे आप इन सजाओं से मुत्तफिक नहीं है? मुझे तो कोई चीज समझ में आती, वो आपने वो तमाशा देखा है, वो तोशाखाना वाला, वो गाड़ियां नहीं दे सकते ना, उन्होंने कहा जी वो पीएम पूल से दी थी, पीएम पूल से दी थी, किस प्राइस पे दी थी? प्राइस वही थी जी, तो तोशाखाना के रूम में क्या मजाक कर रहे हैं, खुदा का वास्ता। और वैसे भी आपने वो तोशाखाना की स्टार विटनेस ही देखा, जिस आदमी को विटनेस करार किया गया, जो पार्ट टाइम सेल्समैन है, जो कि विटनेस स्टार है, यानी एक्सपर्ट है ज्वेलरी का, लेकिन करता क्या है भाई साहब, पार्ट टाइम काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स। मुझे ये कहना भी चाहिए, लेकिन मैं जो असल आप को भी ये खबरें आती थी, हमें भी आती थी, हमने ऑफ एयर डिस्कस भी की हुई है, हमें तो सुनाई देता था पंजाब में पता नहीं क्या तबाही हो गई और करप्शन हो गई और फलाना ते फलाना, वो मुकदमे किधर है? उस्मान बाजार किधर है आजकल, आप बताएं, मुझे तो पता किधर है, सुकून से बैठा जहां कहीं भी है। अच्छा, खान साहब नाराज भी नहीं उस्मान बाजार से? वैसे मैंने सुना, कल ही सुना मैंने, खान साहब का तो वो फेवरेट था, इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन अगला सीएम बनते देख रहे हैं, ऑनेस्ट व्यू मेरा जाती राय, मेरी असेसमेंट ये है, जब भी दोबारा हुकूमत आई इंशाल्लाह दोबारा सीएम उस्मान बाजार। हाँ हाँ, मैं जो जहां तक मैं छोड़ के आता है, मैं आउट ऑफ टच हूं, अब मैं एक साल से आउट ऑफ टच हूं, साल पहले मैं अपने कॉलीज को बोलता था कि तुम मुझसे लिखवा लो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत वजीर आला उस्मान बाजार, बट मैं ये बताऊं, पूछ रहा हूं आपसे भाई, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोग हमें बताते थे, इधर नीचे कहते थे यार रुक जा रहा चाय पीते हैं, और फिर आप बताते थे यार उस्मान बाजार की ये खबर आ रही है, उस्मान बाजार की ये खबर आ रही है, फरा गोगी का ये हो रहा है, गोगी का ये हो गया था फलाने, वो केसेस की तरह भाई आएंगे इमरान खान को, आएंगे इमरान खान को तो दिया अंदर आपने, उधर को केस नहीं को चलता। नाजरीन, आपने असद उमर और काशिफ अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। असद उमर ने कहा कि मैंने 9 मई से पहले ही बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई, जेल भी काटी, और मैं 9 मई से पहले ही सियासत छोड़ने का इरादा कर चुका था। काशिफ अब्बासी ने जब असद उमर से पूछा कि क्या आप दोबारा सियासत में आएंगे, तो असद उमर ने इस पर कहा कि मैं सियासत में आने से पहले बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था,
मगर सियासत में आकर मैंने देखा कि पाकिस्तान में सियासत करना एक शरीफ इंसान का काम नहीं, क्योंकि सियासत में झूठ और फ्रॉड चलता है, जैसा कि नून लीग वाले कर रहे हैं, और सच्चे आदमी का रिजल्ट वही होता है जो आज इमरान खान के साथ किया जा रहा है। नून लीग वाले आज फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत करके इक्तदार पर काबज़ हुए बैठे हैं, जबकि अवाम इनके बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। असद उमर ने कहा कि नून लीग अपनी सियासत को दफन कर चुकी है, बिल्कुल MQM की तरह। आने वाले टाइम में नून लीग का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने मफाद के खातर हमेशा हर काम किया। अवाम की ना पहले इनको कोई परवाह थी और ना अब अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये कोई काम कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी ने जब असद उमर से कहा कि आप तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो इस पर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट कास्ट नहीं किया कि ये असम्बलियों में जाकर धुआंधार तकरीरें करें, बल्कि पाकिस्तानियों ने वोट तो इसलिए कास्ट किया है कि ये इमरान खान को रहा देखना चाहते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ की क्यादत को चाहिए कि ये इमरान खान को रहा कराने के लिए इकदाम करें। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।